अथ नौवां अध्याय देवताओं द्वारा भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना, देवी का प्रचंड अट्टहास करना जिसे सुनकर महिषासुर का उद्विग्न होकर अपने प्रधान अमात्य को देवी के पास भेजना। व्यास उवाच। देवा विष्णु वच श्रुत्वा सर्वे प्रमोदिता सदा ददुश्च भूषुणान्यासु वस्त्राणि स्वायुधानि च। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीरोदश्चाम्बरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे तथा जरे निर्मलंच तथा हार प्रीतस्तस्यै सुमंडितं ददौ चूड़ामणिं दिव्यं सूर्यकोटि समप्रभं कुंडले च तथा शुभ्रे कटकानि भुजेषु वै ययोरान् कंकणान् दिव्यान् नानारत्न विराजितान् ददौ तस्य विश्वकर्म प्रसन्नेन्द्रिय मानसः नूपुरौ स्वरौ कान्तौ निर्मलौ रत्नभूषितौ ददौ सूर्य प्रतिकाशौ पश्चादस्य सुपदयौ। श्री सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले दो वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, दो सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जटित दिव्य कंकण प्रसन्नचित होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान दो नूपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। तथा ग्रैवे यर्कं रम्यं ददौ तस्य महर्णवः अंगुलीयकरत्नानि तेजोवन्ति च सर्वशः। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। अम्लान पंकजां माला गंधाढ्यां कमलानुगां तथैव वैजयन्तीं च वरुणः संप्रयक्षता। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमवानथ संतुष्टो रत्नानि विविधानि च ददौ च वाहनं सिंहं कनकाभं मनोहरम्। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। भूषण भूषिता दिव्य सराराज वरार शुभा सिंहारूढ़ वरारोह सर्व लक्षण संयुता। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याण वही श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषण से विभूषित होकर सिंह व आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। विष्णुश्चक्रात् समुत्पाद्य ददावस्य रथांगकम् सहस्रारं सुदीप्तं च देवारे शिरसांहरम्। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्र अरों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। स्वात्रेषु रात समुत्पाद्य शंकरः शूलमुत्तमम् ददौ देवे सुरारिणा कृन्तनं भयनाशिनम्। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुणस्य प्रसन्नात्मा ददौ शंखं समुज्ज्वलं
घोषिवन्तं त्वशङ्खास्तु समुत्पाद्य सुमङ्गलम्। वरुणदेव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय अत्यंत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। मारुतो दत्वांसस्य दुराकर्षंकरस्वरम्। पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरकश तथा देखने में अत्यंत अद्भुत कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। स्वज्रमुत्पाद्य ददाविन्द्रति दारुणम् घंटा मैरावतातूणम् सुशब्दां चाति सुंदराम्। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। ददौ दंडम यमः कामः कालदंड समुद्भवम् येनान्तं सर्वभूतानां मकारो काल आगते। यमराज ने अपने कालदंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा का मंडलम दिव्य गंगा वारी प्रपूरितम् ददावस्य मुदायुक्तो वरुणः पाशमेव च। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलु और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। कालः खड्गम् तथा चर्म प्रायश्चत्तु नराधिपः परशुं विश्वकर्मा च तिक्ष्णमस्य ददावथ। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। धन दस्तु सुरापूर्ण पान पात्रम सुवर्णजम् पंकजम् वरुणशादा दिव्य दिव्य मनोहरम्। कुबेर ने भगवती को एक सुवर्णमय पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। गदाम कौमोदकीं त्वष्टा घंटा शतनी नादिनी अनातस्य प्रसन्नात्मा सुर शत्रु विनाशिनी अस्त्रान्यनिक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् ददौ त्वष्टा जगन्मातृ निज रश्मिं दिवाकरः। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानवों का विनाश कर डालने वाली कौमोदनी नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगत जननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। सायुधाम भूषणैर्युक्तम् दृष्ट्वा ते विस्मयम् गतः दृष्टुवस्ताम् सुरा देवीम् त्रैलोक्या मोहिनीम् शिवाम्। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवा उचु नमः शिवाय कल्याण्य शांत्यै पुष्ट्यै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्य रुद्राण्यै सततम् नमः। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। काल रात्रे तथाम्बाय इंद्राण्यै ते नमो नमः सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा विद्ध्यै वशावै ते नमो नमः। आप कालरात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथिव्यां या स्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथिवीं च या अन्तःस्थिता यमयति वन्देतामीश्वरीं परां। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती हैं किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं पाती उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ।
मायायां या स्थिता ज्ञाता मायया न चतम जाम अंतःस्थिता प्रेरयति प्रेरयेत्रीं नमः शिवाय। जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकी तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती हैं, उन जन रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। कल्याणं कुरु भो मातस्त्रहि नः शत्रुता पितान् जहि पापं हयारिं त्वं तेजसास्विन मोहितं खलं मायाविनं घोरम् श्रीवाद्यं वरदर्पितं दुःखदं सर्वदेवानां नानारूपधारं शतम्। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट घोर मायावी केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला वरदान प्राप्त करने से अभिमानी समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। त्वमेका सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सले पीडितां दानवेनाद्य त्रयि देवि नमोस्तुते। हे भक्तवत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण हैं। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास उवाच। एवं संता तदा देवी सुरः सर्वसुखप्रदा तानुवाच महादेवी स्मित पूर्वं शुभं वचः। व्यासी बोले, इस प्रकार सब देवताओं के स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुरा कर उन देवताओं से यह मंगलमय वचन कहने लगी। देवी वाच। भयं त्यजन्तु गीर्वाणा महिषान् मन्दचेतसः हनिष्यामि प्रणे देव वरदृतं विमोहितम्। देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास वाच। इत्युक्त्वा सा सुरं देवी जहां सातिव सुस्वरं चित्रमेतच्च संसारे ब्रह्ममोहयुतं जगत् ब्रह्मा विष्णु महेशाद्य चंद्रश्चान्यसुरास्तथा कंपयुक्ता भयत्रस्ता वर्तन्ते महिषात्किला। व्यास जी बोले, देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। वे बोली, इस संसार में यह बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। अहो देवय बलं घोरं दुर्जयं सुरसर्पमः कलहकर्तास्ति दुःखानां सुखानां प्रभुरीश्वरः सृष्टिपालन संहार समर्था अपि ते यदा मोह्यन्ति क्लेश संतप्ता महिषिणा प्रपीडितः। हे श्रेष्ठ देवताओं, देव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। इति कृत्वा स्मितं देवि सात्हासं चकारः उच्चः शब्दं महाघोरं दानवानां भयप्रदम्। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का माया भयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। चकंपे वसुधा तत्र छुत्वा तक्षब्दमद्भुतम् चेलुश्च पर्वतः सर्वे चक्षुभाधीश वीर्यवान् मेरुश्च चालशब्देन दिशः सर्वा प्रपूरितः भयं जग्मुस्तदा श्रुत्वा दानवास्त्वस्वानं महत् जय पाहिति देवास्ता मुचुः परम हर्षितः। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत चरायमान हो उठे और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे।
महिषों विद्वनम श्रुत्वा शुकोपमद्गर्वितः किमेतदिति तान् दैत्यान् पप्रक्ष स्वन शङ्कितः गच्छन्तु त्वरिता दूतः यातुं शब्दसमुद्भवम् कृतः केनायमत्युग्र शब्दः कर्णव्यथाकरः देवो वा दानवो वापि यो भवेत् स्वनुकारकः गृहीत्वा तं दुरात्मानं मत्समीपं नयत्स्विह हनिष्यामि दुराचारं गर्जन्तं स्वयदुर्मदं क्षीणायुष्वं मदमतिं नयामीयं साधनम् पराजिताः सुराः काम न गर्जन्ति भयातुरः न सुरा मम वश्यास्ते क्वचिदं मुनिचेष्टितम् त्वरितमाम् पायान्तु ज्ञात्वा शब्दसि कारणम् अहं गत्वा हनिष्यामि तं पापं वितथाश्रमम् अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से सशंकित महिषासुर ने दैत्य से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाएं। कानों को पीड़ा पहुँचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव, जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्टात्मा को पकड़ कर मेरे पास ले आए। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुँचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं, तो फिर यह मूर्तापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूत का इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र जाएं, तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास उवाच। इत्युक्तास्ते न ते दूत देवीं सर्वाङ्ग सुन्दरी अष्टादश भुजां दिव्यां सर्वाभरण भूषितां सर्वलक्षण संपन्न वरायुधरां शुभां दधतीं च शिखं हस्ते पिबन्तीं च मुहुर्मुहुः संवीक्ष्य भयभीतास्ते जग्मुस्त्रस्ताः सुशङ्किताः सकाशे महिषस्याशु तमुचो स्वनकारिणम्। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत समस्त सुंदर अंगों वाली 18 भुजाओं वाली दिव्य विग्रहमयी सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न उत्तम आयु धारण करने वाली और हाथ में मधुपात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। दूता उचो, देवी दैतेश्वर दृश्यते काचिदंगना सर्वांग भूषणा नारी सर्वरत्न पुशोभिता नमानुषीणा सुनीसा दिव्यरूपा मनोहरा सिंहारूढायुधर अष्टादश करावरा सानादं कुरुते नारी लक्ष्यते मदगर्विता सुरपनरता काम जानीमो न सभर्त्रिका। दूत बोले, हे दैतेंद्र, वह कोई प्रौढ़ स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवी है और न तो आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयु धारण करके सिंह पर विराजमान है। वही स्त्री गर्जन कर रही है, वह मधुरमत दिखाई दे रही है, वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह अभी विवाहिता नहीं है। अंतरिक्षस्थिता देवास्ता स्तुवन्ति मोदान्विताः जयति पाहि नश्चेति जहि शत्रुभिः प्रभो न जाने का परारोह कस्य वसा परिग्रहः किमर्थमगता चात्र किञ्चित् कीर्षति सुन्दरी द्रष्टुं नैव समर्था स्म स्तते जः परिदर्शितः शृङ्गारविरहासाढ्या रौद्राभूतरसान्विता दृष्ट्वैवैवं विधां नारी मसम्भाष्य समागता
स्वयं त्वदाज्ञया राजन् किं कर्तव्यमतः परम्। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी यहाँ किस लिए आई हुई है और वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार के अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देख कर हम लोग बिना कुछ कहे ही आज्ञा के अनुसार लौट आए। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है। महेश उवाच। गच्छ वीर मायादिष्टो मन्त्रिश्रेष्ठमलान्वितः समाधिभिरुपायस्त्वं समानयशुवानाम् नयति यदि स नारी त्रिभिः समाधिभिस्त्विह अहत्वतां वरारोहं त्वमानयममान्तिकम्। करोमि पट्टु महिषि तमरालु ध्रुवं मुदा प्रीतियुक्ता समायाति यदि सा मृगलोचना। रसभङ्गो यथा न स्यात् तथा कुरु ममेप्सितं द्रवणान्मोहितो स्मद्य तस्या रूपस्य सम्पदा। महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और भेद इन तीन उपायों से भी यहाँ ना आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृगनयनी प्रीति पूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान बाहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझ कर जिस प्रकार रसभंग न हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास उवाच। महिषस्य वचः श्रुत्वा पेशलं मन्त्री सत्तमः जगाम तरसा कामं गजाश्वरथ संयुतः गत्वा दूरतरं स्थित्वा तमुवाच मनस्विनी विनयावनतः श्लक्ष्मं मन्त्री मधुरया गिरा। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान उवाच। काशी त्वं मधुरालापे किमत्रागमनं कृतं प्रेक्षति त्वां महाभागे मन्मुखेन मम प्रभुः। प्रधान बोला, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। सजेता सर्व देवाना मवध्यस्तु नरह किला ब्रह्मणो वरदानेन गर्वित शर्लोचने नतेश्वरो सबलवान कामरूपधरह सदा। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध हैं। हे चारुलोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महेश बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। श्रुत्वा त्वां समुपायातं चारुवेषं मनोहरं दृष्टुमिच्छति राजानं महिषुनाम पार्थिवः मानुषं रूपमादाय समीपं समेष्यति यथा रुचित चारंगी तथा मन्यामहे वयम्। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं, ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। तरहो हि मृग शावाक्षि समीपं तस्य धीमतः हे मालमृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चलें और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊंगा। तथा करूणि देवेश यथा ते मन से प्रीतम वशी गोसप्तवात्यर्थम रूप संश्रवणात्तवा करो भोरु वदाशु त्वं संविधेयं मया तथा।
हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। हे करो भोरू, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां पंचम स्कंधे महिष मंत्रणा देवी वार्ता वर्णनम नाम नवमो अध्यायः।